सौम्य महेश्वर दोस्तों धनु राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं हमारे जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाले ग्रह है देव गुरु बृहस्पति 20 अगस्त 2024 से नक्षत्र परिवर्तन करके वृषभ राशि में बलवान होने वाले हैं। तो इसका धनु राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव मिलने वाला है, तो धनु राशि वाले जातकों आपके राशि के स्वामी देव गुरु बृहस्पति बहुत ही बड़ा परिवर्तन 20 अगस्त 2024 को करने वाले हैं। ये रोहिणी नक्षत्र से निकलकर मृगशिरा नक्षत्र में इनका ट्रांजिट होने वाला है, प्रवेश होने वाला है और ये मंगल के नक्षत्र में जा रहे हैं। तो भले ही ये शत्रु राशि में विराजित है लेकिन ये काफी पावरफुल होने वाले हैं और बदलाव देने के लिए समर्थ हैं। और 28 नवंबर 2024 तक देवगुरु बृहस्पति मृगशिरा नक्षत्र में ही मौजूद रहेंगे। ऐसे में सभी राशि वाले जातकों के जीवन में इनका अलग अलग प्रभाव पड़ेगा। धनु राशि वाले जातकों के जीवन में इसका कैसा प्रभाव पड़ने वाला है यह जानकारी देने वाले हैं। किन किन क्षेत्रों में धनु राशि वाले जातकों को शुभता मिलने वाली है और कहां पर आपको जीवन में सावधानी पूर्वक चलना है। देखिए देवगुरु बृहस्पति के बारे में अगर हम आपको जानकारी दें, धनु राशि वाले जातकों देवगुरु बृहस्पति को धनु राशि और मीन राशि का स्वामी माना जाता है और नवग्रहों में सर्वाधिक शुभ ग्रह है और सबसे ज्यादा सुख देने वाला ग्रह माना जाता है। देवगुरु बृहस्पति को शिक्षा, संतान, वैवाहिक जीवन, नियम, धार्मिक कार्य, धन, आध्यात्मिकता इन सब विषयों का कारक माना जाता है। इन सभी चीजों पर देवगुरु अपना पूर्ण रूपण आधिपत्य रखते हैं। देवगुरु बृहस्पति अगर किसी भी व्यक्ति की जन्म पत्रिका में प्रभावी और बलवान अवस्था में विराजित हो तो जीवन में कई प्रकार की सफलता देखने के लिए मिलती है। देखिए गुरु अगर जन्म पत्रिका में बलवान हो तो कुंडली में लाख दोषों का समन करते हैं। अगर जन्म कुंडली में कई ग्रह पीड़ित अवस्था में विराजित हो, कमजोर अवस्था में विराजित हो और देवगुरु बृहस्पति अगर अपनी उच्च राशि या अपनी स्वराशि में विराजित होकर ज्योतिष के मापदंडों के आधार पर केंद्र में विराजित होकर बलवान हो तो जहां जातक को जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता मिलती है। बलवान गुरु के प्रभाव से जीवन साथी के साथ नैतिक मूल्यों की स्थापना और वैवाहिक सहयोग पूरे जीवन में मिलता है। वहीं गुरु के बलवान होने पर उत्तम संतान सुख और सम्मान की भावना जातक के जीवन में बनी रहती है। देवगुरु बृहस्पति के कुंडली में पीड़ित होने पर वैवाहिक उतार चढ़ाव, संतान न होने की समस्या, शिक्षा में व्यवधान का सामना करना पड़ता है। वही शरीर में साइनस, लीवर डिजीज, डायबिटीज की समस्या, पेट से जुड़ी हुई बीमारी भी देखने के लिए मिलती है। जन्म कुंडली में पीड़ित गुरु के प्रभाव को शांत करने के लिए गुरु की शांति 19वें वर्ष, 20वें वर्ष और 22वें वर्ष में उम्र की शुरुआत में ही करा लेनी चाहिए, अन्यथा जब इनके जीवन में महादशा आती है तो काफी बुरा परिणाम जीवन में देती है। पुरुषों के लिए धन के कारक हैं और महिलाओं के लिए पति और वैवाहिक जीवन के कारक हैं, तो इसका ध्यान रखकर इनकी शांति करा लेनी चाहिए। अब आइए हम आपको बताते हैं कि धनु राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है। यह जानकारी आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है तो आप इसे इसी आधार पर देखें। धनु राशि वाले जातकों देवगुरु आपके राशि के स्वामी माने जाते हैं जो 20 अगस्त 2024 को कुंडली के 6वें घर में नक्षत्र का परिवर्तन करने वाले हैं। कुंडली के 6वें घर से रोग, ऋण, शत्रु पक्ष के बारे में, मुकदमेबाजी, कंपटीशन के बारे में तथा पेट के निचले हिस्से के बारे में विचार किया जाता है और इसी भाव से सुख और दुख का भी विचार करते हैं। देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो आपके सिक्स हाउस पर प्रभावी रहेंगे और मंगल के नक्षत्र में हैं,
तो यहाँ पर आपके जीवन में इनकी जो पांचवी दृष्टि है दर्शकों, आपके राशि के कर्म भाव पर जाने वाली है। सातवीं दृष्टि जो है वो आपके व्यय भाव पर जाने वाली है, और नवम दृष्टि जो है वो आपकी राशि के धन स्थान पर जाने वाली है। ऐसे में धनु राशि वाले जातकों के जीवन में देवगुरु बृहस्पति कई प्रकार की अनुकूलता देने वाले हैं। पांचवी दृष्टि जो इनकी कर्म भाव पर जाने वाली है, तो जो जातक नौकरी पेशा है उन जातकों के जीवन में इस समयावधि में सर्वाधिक शुभ सफलता मिलने वाली है। नौकरी के क्षेत्र में आपका जो वर्चस्व है उसमें वृद्धि होने वाली है, तथा वर्क प्लेस पर आपके द्वारा उठाया गया कदम आपको सम्मान के साथ सफलता देने वाला है। गुरु व्यापार के भी कारक माने जाते हैं, जिनकी अमृतमय दृष्टि कर्म भाव पर पड़ने वाली है, तो कारोबारी जातकों के लिए पूर्व समयावधि में यदि किसी भी प्रकार की विफलता मिल रही है उससे आपको निजात मिल सकती है। उसके साथ साथ धनु राशि के ऐसे जातक जिनके जीवन में कोई भी कार्य व्यवसाय नहीं है, यानी ऐसे जातक जो इस समयावधि में बिना कार्य व्यवसाय के ही चल रहे हैं, तो इस समयावधि में जातकों के जीवन में नई अपॉर्चुनिटीज निकलकर सामने आ सकती है और आपके जीवन में नए अवसर भी मिल सकता है। धनु राशि वाले जातकों ये मंगल के नक्षत्र में प्रभावी हैं और मंगल आपके पंचम घर के लॉर्ड माने जाते हैं। ऐसे में शिक्षा के मामले में भी समय आपके जीवन में शुभता देने वाला है। एजुकेशन फील्ड में जुड़े हुए जातक इस समयावधि में उत्साहित होकर सफलता की ओर बढ़ने में समर्थ रहने वाले हैं। यदि आप किसी भी प्रकार का कंपटीशन या मुकदमे इस समयावधि में कंपटीशन देना चाहते हैं, इंटरव्यू यदि आप में बैठना चाहते हैं, उसमें आपको सफलता मिल सकती है। उसके साथ साथ इस समयावधि में जो देवगुरु बृहस्पति हैं, नवम दृष्टि आपके धन भाव पर डालने वाले हैं। यहां पर जो धनु राशि वाले जातक पिछले समयावधि से ही धन को लेकर काफी परेशानी का अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि शत्रु राशि में विराजित हैं और आपके छठवें घर में विराजित हैं, जहां बृहस्पति की पोजीशन अच्छी नहीं मानी जाती है, तो आपको पूर्व समयावधि से ही लगातार प्रयासों के बावजूद भी धन की कमी आपके जीवन में बनी हुई है। लेकिन चूंकि नक्षत्र का जो बदलाव है वो आपके लिए काफी अनुकूल है, ये मंगल के नक्षत्र में जाएंगे और मंगल आपके लिए राजयोग प्रदाता ग्रह माने जाते हैं, तो ऐसे में आपके जीवन में धन के नवीन मार्ग भी ये प्रशस्त करने वाले हैं। और सबसे बेहतर बात तो यह है कि आपके छठवें घर में मौजूद हैं, तो ऐसे में आपको बहुत ही ज्यादा पुरुषार्थी बनाने वाले हैं, क्रियाशील बनाने वाले हैं, और इसकी वजह से जातक अपने जीवन में अपना सम्मान अर्जित करने में सफल रह सकते हैं। देखिए वर्तमान समय में आपको यदि आप वाहन वगैरह चलाते हैं, वाहन चलाते समय काफी सावधान रहना चाहिए। रोग भाव में यानी सिक्स हाउस में ये विराजित हैं और मंगल के नक्षत्र में ये विराजित हैं, तो ऐसे में इस समयावधि में हड़बड़ाहट के साथ डिसीजन लेने से भी आपको बचना चाहिए। साथ में धनु राशि वाले जातकों को गलत खान पान से भी बचने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। तो समय आपके जीवन में शुभ रहने वाला है। उसके साथ साथ धनु राशि वाले जातकों को एक खास और बात का ध्यान रखकर चलना चाहिए। इस समयावधि में ऐसे कार्य व्यवसाय जिसमें आपको कोई भी अनुभव नहीं है, ऐसे कार्यों को जीवन में करने से बचने की आवश्यकता रहने वाली है। अगर आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए, धनु राशि वाले जातकों को ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करना शुभ रहने वाला है। पीपल के वृक्ष पर यदि आप मीठा जल अर्पित करते हैं तो भी आपके जीवन में शुभता मिलने वाली है। धार्मिक यात्रा करना, धार्मिक जगह पर जाकर कुछ समय के लिए अपने आप को वहां पर रोकना और धार्मिक मंत्रों का जप करना भी आपके जीवन में अनुकूलता देने वाला है। साल 2024 के सभी महीने आपके जीवन में अच्छी अवस्था का निर्धारण करें, इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।